तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में और यहाँ से हम लोग को जाना है अभी शिवधाम जलप्रपात। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं चमघट्टी, इससे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा रुकड़ू और इससे और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा अमृत बगान और यहाँ से हम लोग इसी रोड पर सीधे आगे चलेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को जो ना स्कूल मोड़। यहाँ से हम लोग बाएँ दिशा की ओर मुड़ेंगे, आगे चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा डिमरा गांव, उससे और आगे जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे टाटी सिंगारी चौक। यहां से और हम लोग सीधे आगे बढ़ते चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा सुसू घाटी क्षेत्र, जिसका खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पर कुछ देर रुक के यहाँ के नज़ारे का अवलोकन करते हुए हम लोग को भी इस जगह से उस दूर इस घाटी क्षेत्र के दुर्गम रास्ते में जाना है। तो चलिए दोस्तों, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए आगे चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अब सुरसू पंचायत सचिवालय। यहां से हम लोग चलेंगे रुसू जरा गांव की ओर। ये रुसू जरा गांव का कैक्टस का बहुत ही बड़ा और पुराना पौधा है। यहां पर हम अपने वाहन को खड़ा करके पैदल ही शिवधाम जलप्रपात की ओर चलते हैं। शिवधाम जलप्रपात पहुंचने के लिए अभी तक न तो कोई पक्की सड़क है और न कोई सीढ़ी। इसी दुर्गम रास्ते से होते हुए हम लोग अब शिवधाम जलप्रपात के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यह शिवधाम जलप्रपात का ऊपरी हिस्सा है। जलप्रपात के ऊपरी हिस्से में एक शिव जी की प्रतिमा और दो शिवलिंग भी हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखती ही बनती है। बरसात के मौसम में यह हिस्सा पूरी तरह पानी से भर जाता है। मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा, शिवधाम जलप्रपात पहुंचने के लिए आप लोग अपना किसी प्राइवेट वाहन, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, किसी भी तरह की गाड़ी वहां पहुंच सकती है। कोई व्यावसायिक वाहन वहां तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए बेहतर रहेगा कि हम लोग अपना प्राइवेट वाहन से ही शिवधाम जलप्रपात देखने के लिए निकले। यह शिवधाम जलप्रपात का मध्य हिस्सा है। शिवधाम वाटरफॉल रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के टाटी सुरसू पंचायत सीमा पर अवस्थित रुसू जरा नामक गांव में जंगलों, पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के बीच अवस्थित है। यही वो जगह है जहां हर आने वाला पर्यटक रोमांच से भर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह जगह बहुत ही खतरनाक है। जिन्हें तैरना नहीं आता वो कृपया यहां पर
जल के अंदर घुस के नहाने का प्रयत्न ना करें। लेकिन जिन्हें तैरना अच्छी तरह आता है वो बेशक इस स्थान पर नहाने का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों, यह शिवधाम जलप्रपात का निचला हिस्सा है। अभी तो यहाँ पानी बहुत कम है, बरसात के दिनों में यहाँ इतनी पानी होती है कि यहाँ पर तो खड़ा रहना लगभग असंभव है। यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। एक बात और, प्रत्येक वर्ष यहाँ 17 जनवरी को एक मेले का भव्य आयोजन होता है, जिस मेले में आसपास के ग्रामीण काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप लोग भी इस प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने एक बार यहाँ जरूर आएं। यह सिर्फ मैं नहीं कहता, यहाँ के ग्रामवासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आप लोग, हम लोग के यहाँ शिवधाम जलप्रपात में आप सबों का स्वागत है। आप लोग हम लोग के यहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या में घूमने के लिए आइए। आप बहुत अच्छा देखने का जगह है। रांची जिला के अंगड़ा प्रखंड में काटी पंचायत के सुदूरवर्ती गांव रुसुदरा के अंदर, गांव के हमारे इस बगल में शिवधाम जलप्रपात का एक बहुत बढ़िया सा झरना है, पोल है, जिसमें हर विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा किया जाता है। हम तमाम दर्शकगणों से मैं आग्रह करता हूं कि इस जलप्रपात में आएँ और यहाँ के आनंद उठाएँ। हम लोग इसमें सब समर्थन करेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जरूर आइए। और अब हमारी आज के इस यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। तो दोस्तों, आप लोग को आज का यह वीडियो कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने संदेश के द्वारा बताएं। इस स्थान के प्रति कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब आप लोग को देने का प्रयत्न करूंगा। कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचा सकूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।